विधायक जी का भी गोलमाल है, जिला पंचायत जो है उनका भी गोलमाल, कोई विधायक यहाँ पे संत प्रसाद है। संत प्रसाद तो आप ही के समाज के आते हैं, वो तो दलितों के मसीहा माने जाते हैं, नजर नहीं उठाते हैं दलित के ऊपर, खाली बड़े लोग के ऊपर नजर उठाते हैं। जानते हैं दलित हमारे साथ अच्छा करें चाहे बुरा करें, देख ही रहे हैं उनका, उनका गाँव घर है ना, किस तरह वो बनवाए हैं। ये उनका गाँव है, ग्राम सभा है उनका, नहीं कहा ना, मैंने बता दिया। रहने वाले हैं कहाँ के रहने वाले हैं? बगल के विधायक जी, घर के लोग ही खुश नहीं है तो और लोग कहाँ से खुश होंगे? थोड़ा सा नजर दौड़ाइए, समीक्षा कीजिए। सिर्फ बोलेरो में और शीशा चढ़ाकर चलने से काम नहीं चलेगा, वोट जब आप लेते हैं तो जवाबदेही भी आपको तय करनी पड़ेगी। इन तमाम लोगों के सवालों का जवाब आप किस मुंह से आएंगे और वोट मांगेंगे? अपने ही गांव में, अपने ही गांव के आसपास में आप इस तरह की जो विकास कार्य है, इस तरह से विकास कार्य है तो किस तरह से आप 2022 का चुनाव लड़ेंगे, ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूँ विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उरुआ ब्लॉक के सबसे बड़ी ग्राम सभा में। जी हाँ, हम लोग बदारखास ग्राम सभा में हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ के तमाम लोग। बदारखास की ये दलित बस्ती है, जैसा कि इनसाइड भारत टीवी की जो मुहिम है हर ग्राम सभा में पहुंचना और खासकर जो सरकारी योजनाएं हैं और जिनके लिए हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो सरकार की निगाहें रहती हैं वो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रहती हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? फागु। क्या करते हैं? घरे रही ना, क्या करी ला? जैसे कुछ खेती बाड़ी मेहनत मजदूरी कुछ करते होंगे ना? अरे मेहनत बिना कैले का नाम है, पेट भर जाए? नहीं नहीं, बिना कैले। ये बताइए कि प्रधानी जो कार्यकाल होता है उसका लगभग लगभग 5 साल पूरा होने जा रहा है, प्रधान जी से कुछ लाभ वगैरह मिला है? अरे न प्रधान से मिलल बा, न विधायक जी से मिलल बा, जितना जन बाटत के उस ना मिलल बा हमन के। प्रधान शौचालय दिल बाड़ा है, शौचालय बनवाले बड़ा प्रधान क्या? ये देखो जो बात बनल बा सामने बा। तो क्या जैसे कि खुद पैसा लेके बनवाए हैं आप, उनसे पैसा लिए हैं या फिर प्रधान खुद अपने हाथ से बनवाए हमें सब? क्या मानक सही है, सीमेंट वगैरह सब ठीक ठाक मिलाए थे? बै सब 3 फुट का गढ़ा, 2 फुट के और दर्द, मतलब कि बै बै मतलब कि एक बहुत तकलीफ है प्रधान से। ना एक खरखर थोड़ी ना बतिया। अरे कितना दाई क्या कहिए, कितना दाई हम के कुल प्रधान सेक्रेटरी विधायक सब तो देखत आया। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। शौचालय बना है आपका? किस तरह से बना है? अच्छा बना है मेरा शौचालय। आपका अच्छा बना है? कैसे अच्छा बना है? मैं भी कुछ पैसा डाला हूँ उसमें। ये बात। हाँ। तो प्रधान पैसा दिए थे या फिर खुद से बनवाए थे? प्रधान भी पैसा दिए थे, हम भी अपना पैसा। बरसात में क्या हालत? इस वक्त थोड़ा बरसात कम है, पानी का जो चढ़ाव था वो अभी कम है, लेकिन जब बरसात होता होगा, बरसात में कैसे आप लोग यहाँ पे आते हैं? बरसात का हल्के ठेहुन भर पानी, हल्के तब वैसे सब गाँव में भर पानी। गंदगी बहुत है बाहर, आप लोग शौचालय में क्यों नहीं जाते? शौचालय बना है, गंदगी बहुत है। शौचालय बना है तो किस लिए बना है? बाहर जाने के लिए। तो 2 फुट का बना तो 2 फुट में कब तक आदमी बैठेगा? 10 परिवार है, 10 परिवार लोग है तो कितने दिन तक बैठेगा? बाहर से भी पानी सोख लेता है। 4 फुट बना है, 2 फुट बना है, वही 2 फुट, 2 जने का 4 फुट हुआ, कब तक कोई उसमें बैठेगा? बारिश के नाली वगैरह हर जगह पे नाली नहीं बना है, ना खड़ंजा लगाए हैं लोग, जिला पंचायत वाले भी कुछ भी काम नहीं किए हैं, जो अवधेश हैं अवधेश यादव वो भी नहीं कोई काम किए यहाँ पर, ना प्रधान जी किए ना विधायक जी किए हैं कोई काम, इतने दिन हो गया विधायक की उनके। तब तो लैके जात पोखरिया में बुड़ के मर जाएंगे, हम तो डरन रहे झके नहीं जाएंगे। सोची ली नहीं कि इनके ओटवा देते हैं काम नहीं कराओ ओटवा, तो हम कहती जैसे दुनिया देता थे कि हम लोग देवही है, चाहे जीते चाहे हारे, हमने बोल देते हम एक काम करेंगे वो काम करेंगे, रास्ता सही कराएंगे, आवाज देंगे गरीबों के लिए, राशन जो कैसे करेंगे, राशन भी साला जो कि 5 जने का है तो 4 ही जने का मिलता है, वो भी लड़ाई करो तो अंदर जाओ कौन बोलेगा? और दिक्कत है राशन में, दिक्कत है 20 किलो दाना 3 किलो कम मर आ रहा, 25 किलो राशन चाहिए वो राशन वो नहीं मिला ला। सब गोलमाल है, प्रधानी से लेके कोटेदारी तक सब गोलमाल है। कोटेदारी विधायक विधायक जी का भी गोलमाल है, जिला पंचायत जो है उनका भी गोलमाल, कोई भी कोई काम नहीं किया है इन लोग। कौन है विधायक यहाँ पे? संत प्रसाद है। संत प्रसाद तो आप ही के समाज के आते हैं, वो तो दलितों के मसीहा माने जाते हैं, नजर नहीं उठाते हैं दलित के ऊपर, खाली बड़े लोग के ऊपर नजर उठाते हैं। जानते दलित हमारे साथ अच्छा करें चाहे बुरा करें, देख ही रहे हैं उनका,
उनका गांव घर है ना, किस तरह वो बनवाए हैं? ये उनका गांव है, ग्राम सभा है उनका। नहीं कहा ना, मैंने बता दिया। यहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? आधार खास का रहने वाले? नहीं, बगल के। आधार खास के रहने वाले हैं। विधायक जी, घर के लोग ही खुश नहीं है तो और लोग कहाँ से खुश होंगे? थोड़ा सा नजर दौड़ाइए, समीक्षा कीजिए। सिर्फ बोलेरो में और शीशा चढ़ाकर चलने से काम नहीं चलेगा। वोट जब आप लेते हैं तो जवाबदेही भी आपको तय करनी पड़ेगी। इन तमाम लोगों के सवालों का जवाब आप किस मुंह से आएंगे और वोट मांगेंगे? अपने ही गांव में, अपने ही गांव के आसपास में आप इस तरह की जो विकास कार्य है, इस तरह से विकास कार्य है, तो किस तरह से आप 2022 का चुनाव लड़ेंगे? ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है। अपने बनवा रहे वही पैसा का होगा। 6,000 रुपया देख बंद कर दिया ना। 6,000 रुपया खाली देना? 6,000 रुपया अब देख बंद कर दिया ना। देवा नहीं कहे 6,000 नहीं देना। नहीं, हमारे पतो है ना, वो मिलल हम के मिलबे नहीं कहे। हम नहीं लेटू ना, हमन का होला। प्रधान के है चाची? वो चंदन है। चंदन हमें? चंदन हमें की कोई महिला है ना? हाँ, उनका माई है। अच्छा, उनका, उनकी माता जी? हाँ। क्या नाम है आपका? दिलीप नाम है। हम लोगों का 6,000 रुपए देकर रोक दिए दोनों भाई का बाथरूम का। क्या सबूत चाहिए सीडीओ साहब आपको? सीडीओ साहब, इनसाइड भारत टीवी आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या सबूत चाहिए? 6,000 रुपया, ये तमाम जनता, ये जो जनता मेरे पीछे आपको दिख रही है, क्या ये झूठ बोल रही है? आप कहते हैं कि आपको एफिडेविट, आप डीएम साहब से आदेश करवाइए। किस किस गांव का आपको मैं आदेश करवा के दूं? ये जनता, जनता की गाड़ी कमाई की टैक्स से जो आपको सैलरी मिलती है, क्या इसीलिए मिलती है कि आपको इन सबूतों के बाद एफिडेविट दिया जाए, तब आप जाके जांच करवाएंगे? क्या कह रही हैं आप? अरे दूध थे जब लाइट रूम दिए कमन गत के लाइट रूम बनवा ले हम जो कनो कस के लाइट तनिको निक नहीं लाइट रूम बनल बा निक हमारे तो जो देवो कहले तो छतो नहीं लगौल हमारे लड़का सीट डल बा अपने गढ़ा खाना दिए अपने लड़का हमार जोड़ल ओरल नहीं मिलल बाबा हमके वो नहीं मिलल बा कुछ नहीं मिलल चल नहीं आपके नहीं उदेव नहीं कहले आना पूछबा कहले हमारी ये जो मुहिम है ग्रामीण स्तर पर जो कार्यवाही है वो हमेशा जारी रहेगी, लगातार जारी रहेगी। और इनसाइड भारत टीवी उन तमाम लोगों को नहीं छोड़ेगा जो इस तरह से घोटालेबाजी करते हैं, जो इस तरह से जनता के पैसे को लूटते हैं। कैमरे के पीछे है सुनील गहलोत, मैं विकास गोस्वामी, इनसाइड भारत टीवी।